हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। इस वीडियो के अंदर हम CSIR रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये रिक्रूटमेंट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो किसी भी एस्पिरेंट को मिस नहीं करनी चाहिए। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आई हैं और यकीन मानिए कि आज की डेट में आपके प्रिपरेशन का चाहे जो भी लेवल हो, आने वाले 2 महीने के अंदर आप इस एग्जाम के लिए अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इस एग्जाम को लेकर बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास भी आ रही थी कि क्या हम कोर्सेज लॉन्च करेंगे, तो उन सारी चीजों को यहां पे डिस्कस करेंगे। एक चीज मैं आपको शुरू में ही बता देता हूं, ये वीडियो मैं बिल्कुल भी एडवर्टीजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बना रहा। मैं अपना कोई भी कोर्स इसके अंदर सेल नहीं करना चाहता। एक बहुत ही हार्ट फेल्ट वीडियो है जिसके अंदर मैं वाकई में चाहता हूं कि एस्पिरेंट्स को एक करेक्ट गाइडेंस मिले। तो बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाला हूं कि आपको आने वाले 2 महीने के अंदर क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है ताकि आप इस एग्जाम को क्लियर करें। और यकीन मानिए, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को, जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, अगर आप 2 महीने तक इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो इस एग्जाम को क्लियर करना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि इस एग्जाम का सिलेबस क्या है। इस सिलेबस में से फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे आपको फोकस करना चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिल पाए, और उसी के अराउंड हमारी स्ट्रेटेजी भी बनी होगी। क्या आपको कोचिंग की जरूरत है? आंसर मैं पहले दे चुका हूं, इस एग्जाम के लिए कोचिंग लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। कोचिंग में इस एग्जाम के लिए मत पढ़िए। ठीक है, और फिर उसके बाद हम उन सोर्सेज को डिस्कस करेंगे जहां से आप इस एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका उसके अंदर कोई चार्ज भी नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। ये जो आपका एग्जाम है, ये आपके तीन स्टेजेस के अंदर कवर कराया जाएगा, Stage 1, Stage 2 और Stage 3। ठीक है, मेजर जो हमारा फोकस इस वीडियो में रहेगा वो Stage 1 के ऊपर है, क्योंकि सबसे पहले आपको इसी को ही क्लियर करना है। ठीक है, Stage 1 में आपके 2 पेपर होने वाले हैं, Paper 1 एंड Paper 2। Paper 1 आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का होगा। जनरल अवेयरनेस के अंदर आपके 100 क्वेश्चन आएंगे जो कि 100 नंबर के हैं, इंग्लिश के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे जो कि 50 नंबर के हैं। Paper 2 के अंदर आपकी मैथ्स, रीजनिंग है, इसके अलावा कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स हैं। इन मिसलिनियस टॉपिक्स को मैं जनरल स्टडीज के अंदर ही डाल सकता हूं। ठीक है, तो अगर मैं मैथ्स और रीजनिंग की बात करूं तो Paper 2 में मैथ्स के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, जो कि ज्यादातर बैंकिंग और SSC एस्पिरेंट्स जिसकी तैयारी कर रहे होते हैं, इनकी वेटेज केवल आपको 100 नंबर देखने को मिलेगी। 50 नंबर की आपको इंग्लिश देखने को मिलेगी और 50 नंबर की मैथ्स और रीजनिंग। इसके अलावा जो पूरी की पूरी वेटेज है वो जनरल स्टडीज की ही वेटेज है। तो आपको जनरल स्टडीज के ऊपर ही सबसे ज्यादा फोकस करना है और वही डिटरमाइन करेगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं। जनरल स्टडीज के अंदर भी जो Paper 2 के अंदर ये मिसलिनियस टॉपिक्स हैं, ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। ठीक है, चलिए अब इसी को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। देखो, जनरल अवेयरनेस में आपको हिस्ट्री कवर करनी है, एंशियंट इंडिया की, मिडिवल इंडिया की, मॉडर्न इंडिया की। मेरा सजेशन रहेगा कि आर्ट एंड कल्चर को भी आप थोड़ा सा कवर करके जाएंगे, यहां से भी आपको कुछ क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर आपको पॉलिटी कवर करना है। पॉलिटी के अंदर आपके 2 मिसलिनियस टॉपिक्स हैं, एक गवर्नेंस और दूसरा सोशल जस्टिस। इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें तो इन दोनों ही टॉपिक से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बहुत आसानी से आप इन दोनों टॉपिक्स को कवर करके जा सकते हैं। ठीक है, Paper 1 के अंदर आपकी करंट अफेयर्स का भी कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, Paper 2 की अगर बात की जाए तो Paper 2 में 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आने वाले हैं, 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आने वाले हैं। इसके अलावा सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो जनरल स्टडीज के हैं, जिसमें आपके जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर पढ़नी है। फिर आपका इकोनॉमी और एनवायरमेंट, इन दोनों के मिला के आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इकोनॉमी के अंदर भी आपके बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए, बस बेसिक्स आपको कवर करना है, बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमी में भी मेजर पोर्शन आपका मैक्रो इकोनॉमी का रहेगा, माइक्रो इकोनॉमी के लिए आपको केवल 2 से 3 चैप्टर्स कवर करने होंगे। ठीक है, उतने में ही आपकी इकोनॉमी फिनिश हो जाएगी। ठीक है, एनवायरमेंट की अगर बात की जाए तो एनवायरमेंट में भी UPSC की तरह आपको डायनेमिक क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलने वाले, एनवायरमेंट से आपको बहुत स्टैटिक क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस मत कीजिएगा, स्टैटिक पोर्शन को आपको कवर करना, जो कि आप बड़े आराम से 7 से 8 घंटे के अंदर फिनिश कर सकते हैं। करंट अफेयर्स से जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं एनवायरमेंट के, वो भी आपको विद टाइम बता दिया जाएगा, कुछ वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, अब हम आते हैं एथिक्स के ऊपर। एथिक्स के आपको केवल 3 चैप्टर्स कवर करने हैं। सबसे पहले आपका एथिक्स का इंट्रोडक्टरी चैप्टर, ठीक है, जो किसी भी बुक के अंदर पहला चैप्टर होता है एथिक्स का, ठीक है, वो आपको पढ़ना है। फिर आपको ह्यूमन वैल्यूज पढ़नी है। ह्यूमन वैल्यूज के अंदर आपको अलग अलग थिंकर्स के बारे में पढ़ना होता है,
इंडिया के ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स के बारे में पढ़ना है और कुछ आपको थ्योरी पढ़नी है। दोनों ही चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसान है, ठीक है, तो इनको आपको कवर करना है। तीसरा चैप्टर आपका डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के अंदर जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो यूपीएससी में डिसीजन मेकिंग के स्टेप्स को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं आता कि आप किस तरह से फैसला लोगे। उसके अंदर आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि आपका डिसीजन क्या है। लेकिन सीएसआईआर के एग्जाम के अंदर आपको डिसीजन मेकिंग के अलग अलग स्टेप्स पता होने चाहिए। स्टेप्स का मतलब है कि किस तरह से आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिर उस प्रॉब्लम के किस तरह से आप पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, और फिर वो जो भी आपने पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढे हैं उन पॉसिबल सॉल्यूशन में बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसकी भी आपको सिर्फ थ्योरी कवर करनी है और फिर उसके बाद आपको कुछ केस स्टडीज करनी है, वो भी फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू या फिर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चैप्टर को कवर नहीं करेंगे। तो ये चैप्टर भी आपका बहुत ही आसान हो जाता है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से भी आपका काम बन जाएगा। फिर अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट के सारे टॉपिक जो हैं, अगर आपका यूपीएससी के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल रहा हो या फिर मैनेजमेंट ऑप्शनल रहा हो, तो आप देखेंगे कि सिलेबस जो है वहीं से ही डायरेक्टली लिफ्ट किया हुआ है। बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं, यहाँ पे भी आप थ्योरी ही कवर करके जाएंगे और एक बार आपने मैनेजमेंट की थ्योरी पढ़ ली तो उसे डायरेक्ट टू द पॉइंट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आप डायरेक्टली उसको आंसर करके आ सकते हैं। फिर आपको लास्ट टॉपिक जो पेपर टू के अंदर देखने को मिलेगा वो है नेशनल ज्योग्राफी। नेशनल ज्योग्राफी का मतलब है सिर्फ और सिर्फ इंडिया की ज्योग्राफी यहां पे पढ़नी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़नी, फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़नी, सिर्फ इंडिया की ज्योग्राफी आप अच्छे से कवर करके जाने वाले हैं, ठीक है। अब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि सिलेबस में ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां से आप सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले आते हैं अपने पेपर टू के ऊपर। पेपर टू के अंदर आप ये तीन सब्जेक्ट देखिए, एथिक्स, डिसीजन मेकिंग और मैनेजमेंट, यहां से आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। मैनेजमेंट की अगर आपने एक बार थ्योरीज और प्रिंसिपल्स को पढ़ लिया उसके बाद इन 25 क्वेश्चन में से आप लगभग 23 के आसपास क्वेश्चन करके आ सकते हैं। बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और टू द पॉइंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहां पर आप 23 क्वेश्चन के आसपास टारगेट करेंगे। डिसीजन मेकिंग की अगर बात की जाए तो यहां पर आपको स्टेप्स पता होने चाहिए प्लस कुछ केस स्टडीज आपको कवर करनी है। उस केस स्टडी में किस तरह से आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है और बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, इस तरह से आपको केस स्टडीज की प्रैक्टिस करनी है। यह भी एक बहुत ही सिंपल आपका वो रहेगा सेक्शन एग्जाम के अंदर। तो यहां पे भी आप कोशिश करेंगे कि 20 प्लस या फिर समवेयर अराउंड 23 क्वेश्चंस आप यहां पे सही करके आए। एथिक्स की बात करें तो केवल दो चैप्टर्स इसके अंदर आपको कवर करने हैं, दोनों के दोनों बेसिक चैप्टर हैं, 20 प्लस क्वेश्चंस आपको यहां से भी बड़े आसानी से मिल जाएंगे। तो ये जो तीन सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं बहुत ही ईजी सब्जेक्ट्स हैं और बहुत आसानी से आप इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एनवायरमेंट के ऊपर। इकॉनमी और एनवायरनमेंट से दोनों से मिला के आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एनवायरनमेंट की आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी कवर करनी है, ठीक है, प्लस कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक जो कि हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो एनवायरनमेंट कवर करने के बाद और इकॉनमी के बेसिक्स कवर करने के बाद यहां पे भी आप 15 प्लस क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे और आसानी से वो किया जा सकता है। फिर उसके बाद जो हमारी प्रायोरिटी रहेगी वो है नेशनल ज्योग्राफी के ऊपर, यानी कि इंडिया की ज्योग्राफी। बहुत सारे लोग ज्योग्राफी से डरते हैं लेकिन मैं आपको कुछ वीडियोस बताने वाला हूं, समवेयर अराउंड 4 आवर्स की वो वीडियोस रहेंगी। इन 4 घंटे की वीडियो को कवर करने के बाद ज्योग्राफी के अंदर भी आप ये मान के चलिए 18 to 20 क्वेश्चंस आप टारगेट करेंगे और आप इसको मार्क करके आ सकते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए जनरल साइंस की, ठीक है। फिर उसके बाद आप प्रायोरिटी देंगे इंग्लिश के सेक्शन को। इंग्लिश के सेक्शन से आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और अगर आप जो हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे उसको फॉलो करते हैं तो समवेयर अराउंड 40 प्लस क्वेश्चंस आप इसके अंदर करके आएंगे। यहां पे आपको कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन है, प्रेपोजिशन के, सिनोनिम एंटोनिम और जो कॉमन एरर्स होते हैं इनके क्वेश्चन है, प्लस idioms phrases के क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन है, 40 प्लस को आप इसके अंदर टारगेट करने वाले हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आपकी प्रायोरिटी रहेगी इन एरियाज के ऊपर। अगर इस एग्जाम में आपके सामने सबसे बड़े चैलेंज की बात की जाए तो चैलेंज यह है कि फरवरी के अंदर आपके इस एग्जाम का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, आपका एग्जाम कंडक्ट कर लिया जाएगा। तो 2 महीने के अंदर आपको तैयार करना है अपने आपको। तो इस 2 महीने में अगर आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं तो मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन यह है कि आपको कोचिंग के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। कोचिंग के अंदर क्लासेस जो है वो थोड़ी सी स्लो चलती हैं तो आपका जो सिलेबस कंप्लीशन है वो बहुत ही ज्यादा खिंचता चला जाएगा और आप इस कोचिंग के जाल में फंस के रह जाएंगे। मेरा सजेशन ये रहेगा कि अब आप एक सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखाइए कि आपको अपने सिलेबस को जल्दी से जल्दी कवर करना है और सिलेबस में भी आपको जनरल स्टडीज के पोर्शन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिनिश कर लेना है। तो ये फिनिश करने के बाद
आपके पास सफिशियंट टाइम होना चाहिए चीजों की प्रैक्टिस करने का, प्लस उसके बाद जो आपको टाइम मिले उसमें आप मैथ्स और रीजनिंग को सॉल्व करें, ठीक है। ये जो सेंस ऑफ अर्जेंसी है, जब तक आप ये नहीं दिखाएंगे तब तक इस एग्जाम को क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल आता है कि आप किस तरह से अपने जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन को कंसोलिडेट करें, कहां से आप जल्दी से इन सिलेबस को फिनिश कर लें। तो उसके लिए मैं आपको मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट सोर्सेज बताने की कोशिश कर रहा हूं, और यकीन मानिए कि अगर आप इन सोर्सेज को कवर कर लेते हैं तो बहुत आसानी से आपका जनरल स्टडीज का जो सिलेबस है वो एक महीने के अंदर फिनिश हो सकता है, ठीक है। मैं बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं कर रहा, थोड़ा सा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, और जो वीडियोस मैं बता रहा हूं आप सिर्फ उनके ऊपर रिलाई करिए, एक महीने में आपका सिलेबस ज्यादातर खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर इंडिया की हिस्ट्री के, एंशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर्स बने हुए हैं, डिटेल्ड है लेकिन बहुत ही शॉर्ट वीडियोस हैं। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि यहां से आप पूरी की पूरी हिस्ट्री को कवर कर लें, आपको किसी और सोर्स की कोई खास जरूरत नहीं पड़ने वाली, बस ये कवर करिए, इसी को बार बार रिवाइज करते रहिए। सिमिलरली आपको पॉलिटी के भी लेक्चर्स मिल जाएंगे, समवेयर अराउंड 12 घंटे के लेक्चर्स हैं जिनको आप बड़े आसानी से 1.5 या फिर 2x की स्पीड पर देख के फिनिश कर सकते हैं। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के आपको हमारे उस पे YouTube चैनल के ऊपर 3 वीडियोस देखने को मिलेंगी, इन 3 वीडियोस में से आपको पहली और दूसरी वीडियो कवर करनी है, वहां से आपका सिलेबस पूरा हो जाता है। इसके अलावा मैं आपको एक एनवायरनमेंट की एक्स्ट्रा वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर आपके कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट आप इन मैराथन से पूरी कर सकते हैं, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी की अगर बात की जाए तो अराउंड 4 आवर्स की मैराथन वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है, वहां से आपको इंडियन ज्योग्राफी करनी है और उसके बाद सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी के आपको MCQ सॉल्व करने हैं। इसके अलावा आपको ह्यूमन ज्योग्राफी की भी कुछ वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी, मैराथन की फॉर्म में ही मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि कम से कम समय के अंदर आप ह्यूमन ज्योग्राफी को भी कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए भी आप फिलहाल के लिए 4 घंटे की जो वीडियो है इसको आप फिनिश कर सकते हैं। साइंस की अगर बात की जाए तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हमने मैराथन वीडियोस के थ्रू कवर कर रखे हैं और काफी डिटेल के अंदर कवर किए हैं। काफी एस्पिरेंट्स ने इन्हीं वीडियो से अपने स्टेट PSCs निकाले और ढेर सारे एग्जाम निकाले हैं, जैसे कि CAPF हो गया, बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए हैं। इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो इकोनॉमी के लिए भी आपको 12 घंटे का मैराथन देखने को मिलेगा, ठीक है। इन सब के लिए मैंने आपको अपने YouTube चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दिया CSIR SO ASO के नाम से, तो आप उस प्लेलिस्ट के अंदर जाके ये सारी की सारी वीडियोस को कवर कर सकते हैं। अब मैं ये वीडियोस क्यों कवर करने को लिए कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा हार्डवर्क करते हैं तो आप एक एक सब्जेक्ट को एक एक दिन के अंदर फिनिश कर सकते हैं और एक महीने के अंदर आपका जो ये जनरल स्टडीज का पोर्शन है ये पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और इस एक महीने के अंदर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस भी प्रोवाइड करने वाला हूं जिसके अंदर आपके एथिक्स, डिसीजन मेकिंग और मैनेजमेंट, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, इन चारों टॉपिक्स को मैं आपके कवर करा दूंगा। अगर देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग इन चारों टॉपिक्स को मिला के समवेयर अराउंड 15-20 आवर्स की आपको एक्स्ट्रा वीडियोस मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। आपको इन टॉपिक्स के लिए भी सिर्फ उन वीडियोस को कवर करना है, उसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो सारी की सारी चीज है, आपका फोकस होना चाहिए कि दिन में आप कम से कम 6 घंटे हमारी ये जो मैराथन वीडियोस हैं इन मैराथन वीडियोस को कवर करने में लगाएं, ठीक है। 6 घंटे आपको लगाने हैं, उसके बाद आपको कोशिश करनी है कि 2 घंटे आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करें। इंग्लिश के लिए भी जो आपके वर्ड पावर मेड इजी एक बुक होती है, वर्ड पावर मेड इजी की वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, प्लस में एक्टिव पैसिव हो गया, वॉइस हो गया, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉइसेस, इस तरह की आपको इंग्लिश की भी वीडियोस प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। तो 6 घंटे के आपको ये मैराथन कवर करने ही है। इन 2 महीनों में अगर आपने दिन के 8-9 घंटे प्रोवाइड अपने इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिए तो ये 2 महीने आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। तो इसीलिए बिल्कुल इन 2 महीनों के अंदर ढीला नहीं पड़ना है, ठीक। तो 6 घंटे आपको मैराथन कवर करना है, मैराथन को आपको टारगेट करना है कि 1 महीने के अंदर सारे के सारे मैराथन आपके कवर हो जाएं। ये आपके दिन के 8 घंटे का मैंने टारगेट बना दिया कि 6 घंटे मैराथन कर लिया, 2 घंटे आपने इंग्लिश कर ली। अब इसके बाद आपको क्या करना है, डेली 1.5 आवर्स आपको देने हैं मैथ्स और रीजनिंग को, ठीक है। इनके भी आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो आप मैथ चैप्टर वाइज मत करिए, सीधा आप टेस्ट लगाने चालू करिए, ढेर सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, उन टेस्ट को लगाइए। कोशिश करिए कि अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो 25 में से 25 आपके आ जाएं, ठीक है। सेम विद रीजनिंग, अगर आपका मैथ्स वीक है तो आप रीजनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करिए, 1.5 घंटा भी अगर आप देते हैं ना आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अगर आप 6-6 घंटे भी मैराथन हमारी ये डेली कवर कर रहे हैं तो 1 महीना तो मैं मैक्सिमम टाइम बोल रहा हूं, आप 15 से 20 दिन के अंदर अपने GS के सिलेबस को फिनिश कर सकते हैं। तब तक आपकी ये 15-20 घंटे की ये वाली वीडियोस भी आ जाएंगी जिनको आप अगले 5 से 6 दिन के अंदर फिनिश कर देंगे। तो ये जो 6-6 घंटे आपको मैराथन के देने हैं ये केवल 1 महीने तक आपको देना है।
ठीक है। और वीडियोस हमने कुछ इस तरह से बनाई है कि आप जब वीडियोस को देखेंगे तो चीजें आपको क्लास के अंदर ही याद होती जाएंगी, तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट भी अलग से नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 घंटे आपको मैराथन के लिए देने हैं लगभग 30 दिनों तक। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास दोबारा से 30 दिनों का समय आपके पास होगा। इन 30 दिनों के अंदर आप मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश प्लस में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जहां पे भी आपको जिस भी चीज की जरूरत होगी इस एग्जाम के लिए वो हम प्रोवाइड करते रहेंगे। इनफैक्ट आपके लिए सीएसआईआर के लिए सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स करना है, यानी कि फैक्चुअल करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करना है। इसकी भी मैराथन वीडियोस आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। बस आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो छोटी रिक्वेस्ट क्या है कि हम आपको हर एक चीज प्रोवाइड करेंगे इस एग्जाम के लिए, बदले में आप हमें सपोर्ट प्रोवाइड करिए। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके जाइए, और जो भी इंसान किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके साथ हमारी वीडियोस को शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बस यही चीज आपसे चाहिए कि आप हमें सपोर्ट दिखाते रहिए, और सीएसआईआर का पूरा सिलेबस आपको हमारे चैनल पर एक सिस्टमैटिक तरीके से कवर होता हुआ मिलेगा। इस एग्जाम से जुड़ी हुई जो भी चीज आपको चाहिए आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, वील प्रोवाइड यू। ठीक है, थैंक यू।